नमस्कार इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग बलिया ब्रजभूषण चौबे प्रधान गोपालपुर गांव के द्वारा कोरोना वायरस पर अच्छी पहल की जा रही है। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में चिलकर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा गोपालपुर गांव के प्रधान ब्रजभूषण चौबे द्वारा कोरोना वायरस पर अच्छी पहल की जा रही है और अपने ग्राम सभा के सभी लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या की ग्राम सभा से? हम गोपालपुर ग्राम सभा से। यहाँ की व्यवस्था कैसा है? यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। जो भी आवश्यकता यहाँ पे होती है सब प्रधान जी हमेशा तात्पर्य रहते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, उसको करने में एकदम सक्षम रहते हैं। जो भी काम रहता है ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसी समय हो जाए, काम तुरंत ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और वो सफल रहते हैं। कोरोना वायरस को लेकर क्या उनके द्वारा क्या पहुंची जा रही है? कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पे हमेशा जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसके लिए जांच करवाते हैं, मेडिकल ऑफिसर को बुलवाते हैं वहाँ से। यहाँ पे गांव वाले भी बहुत तात्पर्य है इसके पीछे लेके, जो भी आता है तुरंत सूचना देते हैं ग्राम प्रधान को और ग्राम प्रधान भी उतना ही यहाँ पे एकदम सक्षम है उसको लड़ाई के लिए। मेडिकल ऑफिसर बुलाता है, दवाई के छिड़काव हो रहे हैं गाँव में। जी, कोई भुखमरीज के कगार पर मदद करने के लिए दरवाजे पर जाता है, अच्छा मदद करते हैं? हाँ, आवश्यकता हमेशा भुखमरी के मामले में कोई भी आता है, अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन आगे अगर कोई भी आता है तो उसके लिए हमेशा तात्पर रहते हैं, अपनी जगह से उनकी आवश्यकता करते हैं। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जो जामिया कांड में हुआ उसको लेकर क्या आप संदेश देंगे जो दिल्ली में कांड हुआ? जामिया कांड में जो भी हुआ है दिल्ली में जो भी हुआ है कोरोना की जो संख्या है वहाँ से बहुत जल्दी बढ़ गई है। जामिया कांड के बाद से जब तक हमारा 14 तक लॉकडाउन था वहाँ तक ज़्यादातर अधिकतर ये था कि वहाँ तक ठीक हो जाएगा, बट जामिया कांड को लेके वो बढ़ गया है। उससे अब ये होता है कि धीरे धीरे सरकार और उसके लिए तात्पर्य है, कुछ काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने गलती किया है, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, उनको अंदर ही सरेंडर कर देना था खुद को, तो हमारे भारत का भी बचाव होता और बहुत अच्छे सरकार कर रही है जो भी कर रही है अभी का, उनके पीछे जो भी एक्शन लिया जा रहा है। ये आप सरकार के साथ हैं? हम सरकार के साथ हैं। भूषण चौबे ग्राम प्रधान गोपालपुर विकास खंड चिलकहर। 2950 2011 की जनगणना के हिसाब से इस समय वर्तमान में 4,000-4,500 के आसपास है। हम आपसे जानना चाहते हैं जिस से आज बीच में महामारी चल रही है, एक सिंगल लॉकडाउन किया गया भारत में, इस दौरान आप ग्राम सभा से विदेश से या अन्य राज्य से कितने लोग आए हैं? हमारे विदेश से तो कोई नहीं आया है, अन्य राज्यों से 4-5 लोग आए हैं। उनकी जाँच? हाँ, उनकी जाँच पूर्णता हो गई है और सारे लोगों का लगभग 1-2 दिन बाकी 14 दिन पूरा होने वाला है, सब लोग स्वस्थ हैं। हमें आपसे ये जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा में शासन का आदेश अनुसार पानी का पर्याप्त मात्रा व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ इंडिया मार्का और सभी पीने योग्य है पानी, जो भी हमारे यहाँ हैंडपम्प लगे हुए हैं और सारे लोगों के लिए बिल्कुल फिट पानी की व्यवस्था है। जिस तरह शासन के आदेश किया जा रहा है प्रधान सफाई कर्मी अरुणाचल बैठक कर घर घर में लोगों को समझाएं लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों के अंदर रहें और साफ सफाई दवा छिड़काव वो सब कराएं। हमारे यहाँ सफाई कर्मी चूँकि कम संख्या कम है तो इसके वजह से व्यक्तिगत मजदूर रख के और सारे गांव में लगातार 5 दिनों से अनवरत दवा का छिड़काव किया जा रहा है और सबको दरवाजे दरवाजे घूम के जागरूक किया गया है और 100% लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है ग्राम सभा गोपालपुर में। जी, ये आप ग्राम सभा में मानसिक संतुलन से व्यक्ति कितने हैं? एक भी नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले डेली कमाने खाने वाले कितने लोग हैं? ऐसे लोग करीब 50 की संख्या में होंगे। जी, ये शासन से आदेश है, अगर मरीज के आदेश है मरते हैं तो ग्राम प्रधान की व्यवस्था ये कोई नहीं कर पाता है, अगर वो शासन प्रशासन तत्काल करेगी तो क्या ऐसी स्थिति हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमने सारे पात्र व्यक्तियों का, जितने पात्र व्यक्ति हैं चाहे कामगार मजदूर हों श्रमिक हों विकलांग हों, सारे लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं और सारे लोग
गवर्नमेंट द्वारा दिए हुए खाद्यान्न का उठान कर रहे हैं, शासन के मंशा के अनुरूप कटेदार द्वारा वितरण किया जा रहा है और सारे लोगों का काम खूब बढ़िया से चल रहा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, चूँकि सफाई कर्मी की संख्या कम है उसी की उपलब्धता के हिसाब से सफाई की व्यवस्था समुचित करने का प्रयास करते हैं। जानना चाहते हैं क्या आपके द्वारा लोगों के लिए क्या संदेश है और जमात में जो हुआ दिल्ली में उसके लिए क्या संदेश है। हमारे द्वारा हम अपने गांव की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं नियम कि घर में रहिए सुरक्षित रहिए, तो उसका पालन गांव की जनता को करना चाहिए ताकि गांव के साथ साथ अन्य बाहर के लोग भी सुरक्षित महसूस करें, ताकि हमारा भारत जो है सुरक्षित रह सके। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या दवा छिड़काव मास्क साबुन वितरण किया गया है। हाँ, दवा का छिड़काव किया गया है और मास्क साबुन अभी मंगाया जा रहा है, कुछ वितरण किया जाएगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।